हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। दोस्तों, आज मैं स्मॉल फिश करी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके फिश को लेना है और इसे हल्के हाथों से रगड़ना है। हल्के हाथों से रगड़ने से इसके ऊपर का कवर जो है ये सिल्वर कलर का निकल जाता है। मैंने हल्के हाथों से इसे रगड़ के साफ कर लिया है। अब इस पर पानी गिराकर धोना है। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से रगड़ना है। इसी तरह बाकी सभी पीसेस को साफ करना है। साफ करने के बाद अच्छे से धो लेना है। अगर थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर का कवर बाकी रह जाए तो इसे ऐसे रगड़ देना है। एक केजी स्मॉल फिश इसे मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है। 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल इसे फ्राई करने के लिए, 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल इसे बनाने के लिए, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून सरसों पाउडर, 1/2 टीस्पून मेथी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हरी धनिया। इसके तड़के के लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 पिंच हींग, 2 पिंच मेथी। अब फिश को मैरिनेट कर लेना है। 2 टीस्पून तक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। हाफ टी स्पून तक लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इसमें नमक भी डालना है। 1/2 टीस्पून अच्छे से मिक्स कर देना है।
मैंने फिश को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसे 10 मिनट के बाद फ्राई कर लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं फिश को मैरिनेट करके रखे हुए। अब इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई पैन गरम हो गया है। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें फिश को डालना है। फ्लेम को हाई रखना है। फिश को हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसे पलट कर फ्राई करना है। इसे एकदम आराम से चलाना है, नहीं तो टूट जाएगी। अब फिश दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेना है। इसी तरह बाकी सभी पीसेस को फ्राई करना है। मैंने फिश के सारे पीसेस को फ्राई कर लिया है। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पैन गरम हो गया है। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें मेथी डाल देना है। मेथी ब्राउन हो गई है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देना है। प्याज का पेस्ट, फिर 1 मिनट के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, सरसों पाउडर, नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। फिर इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देना है। फिर से इसमें टमाटर भी डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं टमाटर को लो फ्लेम पर गलाते हुए। अब टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें धनिया की पत्ती डाल देना है। धनिया की पत्ती डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह से भुनना है। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। मैंने मसालों को 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब मसाला पूरी तरह से भून चुका है। इसमें पानी डालना है। वन एंड हाफ कप पानी डालना है। अब फ्लेम को हाई करके पानी में उबाल लाना है। आप यहाँ पे नमक चख सकते हैं, अगर कम हो तो डाल सकते हैं। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें फिश को डाल देना है। हल्के हाथों से मिक्स कर देना है।
अब फिश को बिना ढके हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। मैंने फिश को हाई फ्लेम पर 3 मिनट तक पकाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसके तड़के की तैयारी कर लेना है। मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब इसमें मेथी डाल देना है, हींग पाउडर, फिर कसूरी मेथी, दस सेकेंड्स के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इसे फिश में डाल देना है, फिर ढक देना है। अब हमारी स्मॉल फिश करी बनकर रेडी हो गई है।